नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। परिवहन विभाग की योजना, 3 महीने तक बकाया टैक्स पर मिलेगा विशेष डिस्काउंट। परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों के स्वामियों के लिए एक राहत योजना शुरू की है। जी हां, आपके लिए अच्छी खबर है। और इस योजना के तहत वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स और जुर्माने पर भारी छूट मिलने वाली है। ये छूट 3 महीने तक उपलब्ध रहेगी और इसके बाद इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। अब ट्रक हो या बस, कार हो या ऑटो, हर एक का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाइए। बस इसके लिए अपनी गाड़ी की पुरानी बीमा पॉलिसी और गाड़ी की आरसी 9831 9831 पर व्हाट्सएप करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं इस खबर के बारे में पूरी जानकारी। देखिए, एक लेटर जारी हुआ है जिसमें परिवहन विभाग की एक मुश्त समाधान योजना राजस्व समीक्षा पर आरटीओ प्रशासन अयोध्या ने बैठक कर ये निर्देश दिए हैं। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं वो भी आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की एक मुश्त समाधान योजना की अधिसूचना 6 नवंबर 2024 के अंतर्गत आधिकारिक वाहन स्वामियों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में आरटीओ प्रशासन अयोध्या ने सभी जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्हें फुल एक्शन मोड में आने के निर्देश दे दिए हैं और उन्हें कहा है कि 11 नवंबर 2024 को अयोध्या संभाग के सभी जनपदों के परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व समीक्षा बैठक की गई। साथ ही साथ विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियन जैसे कि ट्रक, बस, टेम्पो, ई रिक्शा के पदाधिकारियों और साथ ही साथ व्यवसायिक वाहनों के डीलरों के साथ भी मीटिंग की गई। तो इस बैठक में आरटीओ प्रशासन ने एक मुश्त समाधान योजना के संबंध में जानकारी दी और विस्तार से बताया गया कि अधिसूचना की 3 महीने की अवधि के लिए आवेदन करने पर बकाया कर में जो देरी होती है उस पर लगने वाले जो पेनल्टी है उस पर 100% छूट मिलेगी। सभी बकाया वाहन स्वामी या उनके विधिक वारिस आवेदन कर सकते हैं। जिनके वाद जो है वो कोर्ट में है, उप परिवहन आयुक्त या ट्रिब्यूनल में जो है वो लंबित है, तो वो जो अपने वाद है वो वापस लेने का प्रमाण देकर आवेदन भी कर सकते हैं। तो वाहन स्वामी और साथ ही साथ उसके विधिक वारिस जो संबंधित परिवहन अधिकारी प्रशासन अधिकारी को इस मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200 रूपए की धनराशि और साथ ही साथ अवशेष यानी कि आवेदन शुल्क के रूप में 500 देना होगा। तो वाहन स्वामियों को अब बकाया जो है वो कुल धनराशि एक मुश्त जमा करनी होगी। तो आपको अगर इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप परिवहन विभाग की वेबसाइट uptransport.upsdc.government.in पर या फिर कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो वाहन स्वामी हैं उनके लिए ये जानकारी भी दी गई है कि ये जो अवसर है ये केवल 3 महीने के लिए ही है। इसके साथ ही आपको एक और जानकारी देते हैं कि परिवहन विभाग में अब तक जो है वो 3800 से अधिक वाहन हैं जिनका करीब 6 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स बकाया है। इन वाहनों के मालिकों को बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद टैक्स नहीं जमा किया जा रहा है और इस समस्या का समाधान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की गई है जो कि काफी फायदेमंद भी लग रही है। लेकिन ध्यान रहे कि अवसर केवल और केवल 3 महीनों के लिए है। तो अगर आप भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो विभाग की इस वेबसाइट uptransport.government.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 9831 9831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।